बात अब बिहार की करेंगे, जहां पर राजनीति में भूचाल आया हुआ है। 12 फरवरी को नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है, लेकिन इसके पहले टूट का डर कांग्रेस को सता रहा है। कांग्रेस से तमाम विधायकों को हैदराबाद भेजा जा रहा है। पूरी कांग्रेस डरी हुई है, खलबली मची हुई है। कभी झारखंड से हैदराबाद जा रहे हैं, कभी बिहार से दिल्ली से हैदराबाद जा रहे हैं। आश्चर्य है, बहुमत साबित एनडीए को करना है, भाग रहे हैं विपक्षी। ये भाग विपक्षी, भाग भाग राहुल, भाग उधर राहुल भाग रहे हैं यात्रा में, विधायक भाग रहे हैं हैदराबाद। तो भागम भाग की स्थिति मची हुई है, ये चलेगी स्थिति भागम भाग। अब भागने से क्या होगा? अगर मान लीजिए कांग्रेस के विधायकों ने मन बना लिया है कि उनको पार्टी छोड़नी है, तो विधानसभा में आके बैठ जाएंगे दूसरी तरफ, तब क्या कर लेंगे? भागिए, भगाइए, चलने दीजिए खेल। हमारे विधायक एक साथ है, ये तो प्रदर्शन हम करेंगे ना, और देश को बचाएंगे और बताएंगे कि हमारा विधायक एक साथ है, कोई टूट नहीं है। टूट की अगर संभावना सबसे व्यापक है तो जेडीयू में है, जिसका कारण भारतीय जनता पार्टी है। मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण जुड़ गए हैं इस वक्त पटना से, अब्दुल बशीर जुड़ गए हैं सीधे हैदराबाद से। सबसे पहले अब्दुल, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम विधायकों को हैदराबाद भेजा गया, कहीं ना कहीं ये तो साफ हो गया ना कि टूट का डर है, लेकिन जब तक फ्लोर टेस्ट होगा तब तक सब एकजुट रह पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो हैदराबाद एक पॉलिटिकल टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। हमने देखा कि झारखंड के 37 एमएलए यहाँ पर आए थे, दो दिन वो लियोनिया रिसोर्ट में रुके थे, कल वो गए और लगभग एक घंटे के अंदर अंदर बिहार के एमएलए यहाँ पर आए हैं, विधायक आए हैं, 15 से 17 एमएलए बताए जा रहे हैं और विधायक यहाँ पर आने की आशंका जताई जा रही है। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होने वाला है, लेकिन कांग्रेस लीडर, कांग्रेस विधायक ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, खरीद फरोख का मामला ये सामने आ रहा है, उसके चलते एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उनको यहाँ पर हैदराबाद लाया गया है। श्री नेचर्स वैली रिसोर्ट में उनको अभी रखा गया है, 12 तारीख तक बताया जा रहा है कि वो यहीं पर रहेंगे जब तक फ्लोर टेस्ट होगा, और कई सारे दूसरे विधायक भी यहाँ पर आने की संभावना जताई जा रही है। कल हमसे बातचीत में जो प्रदेश, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश सिंह, उन्होंने बताया है कि अभी तक 15 से 17 यहाँ पर विधायक आए हैं और विधायक यहाँ पर आएंगे, हैदराबाद में रहेंगे, और काफी जो है भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख के सिलसिले में अप्रोच कर रही है, कुछ एमएलए से बातचीत भी हुई है ऐसा उन्होंने बताया है, और आगे जो है ताकि कोई गड़बड़ ना हो उसके चलते वो यहाँ पर शिफ्ट होंगे। जैसे झारखंड के एमएलए यहाँ पर रुके थे, उसी प्रकार से बिहार के विधायकों को यहाँ पर हैदराबाद में शेल्टर दिया गया है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि, देखिए सत्ता की चाशनी जिधर होती है उधर ही तमाम मक्खियां भिन बनाती है, लेकिन 19 को भेज दिया गया है, इनमें से कितने की टूट का डर है, कितने डिफ्लेक्ट हो सकते हैं? देखिए, लंबे अरसे से चर्चा रही है नेहा कि बिहार में जो कांग्रेस विधायक हैं उसमें टूट हो सकती है, और जब जब बिहार में कोई सियासी गतिविधि बढ़ती है, चाहे सरकार में समीकरण बदले या जो कुछ, तो कांग्रेस के विधायकों को लेकर चर्चा होती है लगातार। 19 विधायक हैं बिहार विधानसभा में कांग्रेस के, जिसमें से 16 विधायक इस वक्त जो है वो हैदराबाद में है। 3 विधायक जो नहीं गए हैं उनके नाम भी मैं बताता हूँ। अब्दुल जो विधायक है वहां पे, जो हमारे संवाददाता वहां से सहयोगी लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं, उसमें देखिए अबिदुर रहमान है जो कि अररिया से विधायक हैं, वो वहां पर मौजूद नहीं है। साथ ही साथ मनोहर सिंह है जो मनिहारी से विधायक हैं, और सिद्धार्थ सौरभ है जो कि विक्रम से विधायक हैं। ये 3 विधायक इस वक्त भी हैदराबाद में मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी 16 विधायकों के प्रेजेंस को लेकर के जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस का अखिलेश प्रसाद सिंह और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, दोनों ने कन्फर्म किया है। अब कांग्रेस को डर क्यों सता रहा है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 12 तारीख को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है और पहली जो अग्नि परीक्षा है सरकार के लिए वो मौजूदा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को उनके पद से हटाना है, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। लेकिन चर्चा ये है कि जिस तरह तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि वो विधानसभा के अंदर खेला करेंगे, अगर वाकई उनकी नज़र बीजेपी या जेडीयू या सत्ता पक्ष के दूसरे विधायकों पर है,
तो उन परिस्थितियों में शायद बीजेपी या जो सत्ता पक्ष है उसका है। ये बैकअप प्लान हो सकता है कि वो कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ कर लें। तो ये एक पूरा खेल है जिसको लेकर के कांग्रेस के विधायकों को वहां शिफ्ट किया गया। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। तो एक तरफ कांग्रेस में टूट का डर है, दूसरी तरफ बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि सरकार को समर्थन दे रहे जीतन राम मांझी इस मांग को दोहरा रहे हैं कि उनकी पार्टी को सरकार में 2 मंत्री पद का वादा किया गया था, उसे पूरा किया जाए। हमने मांग की थी कि 2 दीजिए, और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं पता कि उनकी गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई है। यकीनन उनके विधायकों की संख्या भले कम हो पर मौजूदा परिस्थिति में उनका महत्व काफी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं हमारे प्रदेश के, अगर गठबंधन के भीतर ऐसी कोई चर्चा हुई है तो उन्हें उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। पार्टी की तरफ से हमारे संरक्षक महोदय का डिमांड है, और उनकी बात भी अगर आप गौर से सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था रखते हैं और हमें ही रहेंगे। तो मांग कर उन्होंने मांग किया। जहां तक मेरा व्यक्तिगत है कि जो अगर मंत्री के रूप में हमसे पूछते हैं तो जो मुझे मिला है उससे हम संतुष्ट हैं और उसमें पूरा काम करने का कोशिश करेंगे। मांझी जी तो NDA की नाव डुबाएंगे, पतवार ही लेकर भागेंगे। उनका सम्मान हो नहीं रहा है, उनकी जो मांग है आदरणीय मांझी जी की वो तो पूरा ये लोग करेंगे नहीं। अभी तक कोई काम एक कदम आगे नहीं बढ़ा, ये बता रहा है कि सब कुछ गड़बड़ है और ये आने वाले तूफान के पहले की खामोशी है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, अब जीतन राम मांझी 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, उनके बेटे संतोष सुमन कह रहे हैं हम मतलब वो खुद मंत्री बन गए उससे ही संतुष्ट हैं, ये बाप बेटे में ही आपस में मतभेद है तो पार्टी क्या चाहती है? देखिए दांवपेच है, मतभेद है या नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते हैं हमने यहाँ, लेकिन दांवपेच है। और दांवपेच ये है कि किसी तरह जो नई सरकार बनी है बिहार में उसके कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण अहम विभाग लिया जाए, क्योंकि देखिए जीतन राम मांझी को लेकर लगातार ये चर्चा होती रही कि वो जो महागठबंधन का खेमा है उसके टच में है, लेकिन बार बार एक खबर आई और दूसरी बार उन्होंने खारिज किया। संतोष सुमन ने खुद आज तक से बातचीत में कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और कल भी देखिए, कल देर शाम एक चर्चा हो गई बिहार के सियासी गलियारे में कि जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन जो नई कैबिनेट में मंत्री बने हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि चर्चा इतनी ज्यादा हुई कि बाद में खुद संतोष सुमन ने ट्वीट करके कहा कि नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं है और मैं NDA के साथ हूँ। तो चर्चाएं कई तरह की हो रही हैं। अब जीतन राम मांझी की तकलीफ ये है कि उनकी तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि डिप्टी CM और CM पद का ऑफर है दूसरे खेमे की तरफ से, उसके बावजूद वो NDA के साथ बने हुए हैं। और अब NDA की सरकार में जीतन राम मांझी के बेटे को जो विभाग दिया गया है वो वही पुराना विभाग है जिसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर रही है पहले से। मतलब जब वो कैबिनेट में पिछली दफे मंत्री थे तो SC ST कल्याण विभाग उनके पास था, वही उनको फिर से मिला है। तमाम जानकारी के लिए आपका